वेलकम बैक टू माई न्यू अनदर वीडियो। और गाइज, आपके भी मोबाइल फोन में बहुत सारे ऐड जो है वो भर भर के आते हैं मोबाइल फोन पर। जब भी आप कोई सी भी वेबसाइट जो है ओपन करते हैं तो आपको वहाँ पर स्क्रीन पर कुछ भी एड्स जो है देखने को मिलता है। तो आज मैं इस वीडियो में यही कंप्लीटली बात करने वाला हूँ, कैसे आप इसको परमानेंटली कैसे आप बिल्कुल मूव कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं आपको अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ले चलता हूँ। ठीक है, तो आपको साइड में एक मोबाइल की स्क्रीन दिखेगी, वहाँ पर आपको नज़र बना रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर आ जाता हूँ। ओके, अब आपको सबसे फर्स्ट काम ये करना है, आपको अपनी मोबाइल की सेटिंग पर चलना है। ठीक है, मोस्टली बहुत सारे एंड्रॉयड फ़ोन की जो सेटिंग होती है वो बिल्कुल एक जैसी होती है। तो यहाँ पर आपको चलना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा प्राइवेसी वाला। ओके, प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा एडवांस्ड। ओके, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, बहुत जल्दी बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ओके, यहाँ पर आ चुके, अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है एड्स वाला, तो एड्स वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर देखिए डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी, उसके बाद में रिसेट एडवर्टाइजिंग आईडी, यहाँ पर आपको डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर डिलीट इसको हमने कर दिया। ओके, मैं यहाँ पर गेट न्यू एडवर्टाइजिंग आईडी, क्योंकि मेरे को आपको एक और तरीका बताना है। ठीक है, यहाँ से उसके बाद में यहाँ से बैक आया, बैक आ गए हम। ओके, यहाँ से भी कर सकते हैं, उसके बाद में यहाँ पर जस्ट नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे आप। ओके, यहाँ से आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर एक गूगल वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। देखिए, यहाँ पर गूगल पर जाइए, यहाँ पर जाने के बाद में अब आपको यहाँ पर भी एक एड्स वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, वो सेम यही सिचुएशन है। ठीक है, तो यहाँ पर एड्स वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर डिलीट एडवर्टाइजिंग यहाँ पर आईडी, इस पर क्लिक करके आपको इसको डिलीट इस पर क्लिक कर देना है। ओके, अब मैं इसको गेट स्टार्ट पर क्लिक नहीं करूँगा। ओके, अब यहाँ से आने के बाद अब आपको इसको बैक कर देना है। अब मोस्टली जो आते हैं एड्स वो यहाँ सबसे ज़्यादा आते हैं वो क्रोम से आते हैं, तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर क्रोम ब्राउज़र जो है ओपन करना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए आप क्या करना है, अब यहाँ से मैं थ्री डॉट्स पर क्लिक करूँगा। ओके, यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है जस्ट। ओके, यहाँ से थोड़ा सा जस्ट स्क्रॉल करना है। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा साइड सेटिंग, साइड सेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको अब देखिए एड्स वाला एक ऑप्शन दिख रहा होगा, एड्स ब्लॉक्ड ऑन सम साइट्स, तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा। ओके, जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो इसको आपको, अगर आपका ये एड्स जो है वो इनेबल है तो इसको आपको इस तरह से डिसेबल कर देना है। ओके, यहाँ पर इस तरह से होगा आपका, तो आपको इसको डिसेबल कर देना है। ओके, यहाँ से इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन दिख रहा है पॉपअप्स एंड रीडायरेक्ट्स, मतलब आपके फ़ोन में जो पॉपअप्स वाले भी एड्स आते हैं कई सारे, तो उसको भी आपको डिसेबल कर देना है। यहाँ अगर आपको इस तरह से इनेबल है तो इसको आपको इस तरह से डिसेबल कर देना है। ओके, अब इतना हुआ, इतना करने के बाद अब फ्रेंड्स लास्ट जो है वो ये है कि अब आपके जो मोस्टली जो है यहाँ पर से प्ले स्टोर से कई सारी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर रखी होती है और उसको आपको उन एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, तो उनको कैसे आप उनके एड्स जो है कैसे रोकेंगे, तो यहाँ पर आपको अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने प्रोफाइल पर क्लिक किया, अब यहाँ से मैनेज ऐप्स एंड डिवाइस पर क्लिक करूँगा। ओके, यहाँ पर वहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो जस्ट थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे इस तरह से, यहाँ पर ये मैनेज वाला, इस पर क्लिक करके यहाँ पर मैनेज ऑप्शन पर क्लिक किया। अब यहाँ पर आपको एक राइट ऑफ कॉर्नर पर दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए इसे लेफ्ट हैंड पर आपको यहाँ पर इंस्टॉल दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस तरह से आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन खुलने को मिलते हैं नॉट इंस्टॉल्ड, और तो यहाँ पर हम नॉट इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी हमारी हमने जो नई नई एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल की थी वो फिर उसके बाद हमें जो काम नहीं आई उसके बाद हमने नॉट इंस्टॉल कर दी, तो उसको यहाँ से क्लिक करके हमको देख लेना है। ओके, अब यहाँ से उन एप्लीकेशन के कैचे वगैरह सब डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है, इनको सबको इस तरह से यहाँ से डिलीट कर देना है। ओके, इस तरह से मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ इनको। ओके, जितनी भी यहाँ पर है आप जिन जिन को हटाना चाहते हैं उन सबको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस की भी कमी हो जाएगी। आप इसके स्पेस जो होता है मोबाइल में स्टोरेज जिसको बोलते हैं वो भी यहाँ पर अब आपको उसकी परेशानी नहीं दिखेगी। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप अपनी जितनी भी यहाँ पर आपने ऐप इंस्टॉल कर रखी होगी उनको इस तरह से आप रिमूव करके उनके क्लियर कैचे वगैरह और उनके एड्स वगैरह इस तरह से ब्लॉक जो है कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ से इतना कर देता हूँ। ओके, और भी कई सारी एप्लीकेशन से भी बाद में करता रहूँगा इनको, क्योंकि यहाँ पर वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब आपके मोबाइल फ़ोन में कुछ भी यहाँ पर एड्स जो है वो दिखाई नहीं देने वाले हैं, कई सारे एड्स जो है यहाँ पर ब्लॉक हो चुके हैं और अब आपको ब्लॉक ये एड्स जो है अपने मोबाइल फ़ोन में नहीं आने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप इस परेशानी को ठीक कर सकते हैं। ओके, सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो जो है हेल्पफुल लगी होगी और कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा और साथ साथ चैनल पर नए नए विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर दबाता कि आपको हर आने वाली अपडेट जो है इसी प्रकार हमेशा यहाँ पर मिलते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।